दोस्तों हमारी दुनिया में कई समुदाय या देश हैं जो अपनी अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराओं के लिए पूरे विश्व भर में फेमस हैं। ऐसा ही एक देश है चाइना, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में अपने सबसे अजीबोगरीब फूड हैबिट्स के कारण मशहूर है। हाल ही में हजारों जिंदगियों को लेने वाला खतरनाक कोरोना वायरस भी चाइना की इन्हीं आदतों के कारण अस्तित्व में आया है। और आप जानते ही होंगे कि ये डेडली वायरस चाइना के वुहान शहर में मौजूद सी फूड मार्केट से पूरे वर्ल्ड में फैला है। चाइनीज लोगों के लिए अजीब से अजीब दिखने वाले समुद्री जीवों को खाना भी एक नॉर्मल बात है। वे लोग ऐसे जीवों को भी बड़े चाव से खाते हैं जिनके बारे में हम इंडियंस लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको चाइनीज लोगों द्वारा खाए जाने वाले ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। द स्नेक सूप। दोस्तों जहरीले सांपों से हर कोई डरता है, लेकिन इस मामले में चाइना वाले दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन खतरनाक सांपों को हम दूर से देखने पर भी कांप जाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि वे लोग उन सांपों का सूप बनाकर बड़े चाव से खाते हैं। दरअसल स्नेक सूप को चाइना में एक लग्जरी डिश माना जाता है, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। वे लोग इसे एक मेडिसिनल पर्पस की तरह यूज करते हैं। इस सूप को बनाने के लिए ये लोग सबसे पहले एक बड़े से सांप को गर्म पानी में साफ करते हैं, फिर उस सांप को काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, और काटने के बाद भी ये सांप हिलते रहते हैं। इसके बाद ये लोग इन टुकड़ों को एक कढ़ाई में उबलते पानी में डालकर कुछ अन्य मसालों के साथ पका देते हैं, जिसके बाद इस सूप को रेस्टोरेंट्स में लोगों को सर्व कर दिया जाता है। चाइनीज लोगों का ये भी मानना है कि इस सूप को पीने से उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होने लगता है। द लैम्ब हेड। दरअसल लैम्ब एक जानवर होता है जो कि दिखने में बिल्कुल एक बकरी जैसे होते हैं। आप इस वीडियो को देखकर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन चाइनीज लोग लैम्ब के पूरे शरीर को छोड़कर केवल उसके सिर को ही खाते हैं। इसे पकाने के लिए ये लोग सबसे पहले इसके सिर को एक बड़े से पानी के बर्तन में रख कर ब्रश की मदद से बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करते हैं। फिर इसे पहले से बनाई हुई करी में डालकर उबाल दिया जाता है और 15 मिनट पकने के बाद लोगों को परोस दिया जाता है। इस डिश को भी चाइनीज लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। द ऑक्टोपस। दोस्तों आपने ऑक्टोपस के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। इसे समुद्री जीवों में मछलियों के बाद सबसे फेमस माना जाता है। आमतौर पर ऑक्टोपस गहराई वाले इलाकों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये इतने गिलगिले होते हैं कि हमें तो इसे देखने पर ही उल्टी आ सकती है, लेकिन ये चाइनीज लोग छोटे से लेकर बड़े से बड़े ऑक्टोपस को भी खा सकते हैं। चीनी रेस्टोरेंट्स में इन ऑक्टोपस को बनाने के दो तरीके होते हैं, जिनमें पहले तरीके में ये लोग छोटे ऑक्टोपस को जिंदा ही प्लेट में रखकर चटनी के साथ सर्व कर देते हैं, और दूसरे तरीके में बड़े आकार के ऑक्टोपस को यूज किया जाता है, जिसमें वे पहले जिंदा ऑक्टोपस को ही उबलते हुए पानी में तल देते हैं। यह नजारा कितना पेनफुल होगा आप सोच ही सकते हैं। इसके बाद ये शेफ उनके हाथों को अलग अलग करके अलग अलग तरह की डिश बनाते हैं। द क्रोकोडाइल्स। वैसे तो मगरमच्छ को जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक गिना जाता है, और नदी में रहने वाले इन जीवों से टकराना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन आपको हैरानी होगी कि चाइना के लोग इस डेडलीस्ट क्रिएचर को भी नहीं छोड़ते, और उन्होंने अपनी मेन्यू लिस्ट में मगरमच्छ को भी शामिल कर रखा है। जिस मगरमच्छ को खाने के बारे में कोई जानवर भी नहीं सोच सकता, उसे ये चीनी लोग मसालों के साथ खूब मजे लेकर खाते हैं। आप इस वीडियो में जैसा कि देख ही सकते हैं कैसे ये लोग इस मगरमच्छ को पका रहे हैं। चाइना में मगरमच्छ को कई डिशेज में यूज किया जाता है, जैसे क्रोको सूप, क्रोको करी और क्रोको सैंडविच। ऐसे ही और भी कई डिशेज वहाँ पर फेमस हैं। यानी कि आप जिन चीजों को अपने सामने देख भी नहीं सकते, उनको ये लोग अपनी प्लेट में रख कर खाते हैं।
द जाइंट रेनबो लॉबस्टर। लॉबस्टर एक तरह के समुद्री जीव होते हैं जो कि ज्यादातर समुद्र की गहराई में जमीन पर बड़े बड़े पत्थरों के आसपास पाए जाते हैं। ये कई आकार में पाए जाते हैं, जैसे कुछ बिल्कुल छोटे होते हैं तो कुछ काफी बड़े। लेकिन चाइनीज लोग एक स्पेशल प्रजाति के लॉबस्टर को खाना काफी पसंद करते हैं, जिसे रेनबो लॉबस्टर के नाम से जाना जाता है। रेनबो नाम इसे इसके रंग रूप को देख कर दिया गया था, क्योंकि ये काफी कलरफुल होते हैं जो दिखने में भी काफी सुंदर लगते हैं। पर दुख की बात यह है कि ये चाइनीज लोग इस ब्यूटीफुल क्रिएचर को भी मारकर खा जाते हैं। आपको बता दें कि इस प्रजाति के लॉबस्टर दुनिया के सबसे रेयर स्पीशीज में गिने जाते हैं, इसलिए एक लॉबस्टर मील की कीमत $600 के आसपास होती है, जो कि दुनिया के महंगे खानों में से एक गिनी जाती है। क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना के अमीर लोग ही इसे खा पाते हैं। इसे काटकर एक बड़ी सी प्लेट में सैलेड के साथ सजाकर सर्व किया जाता है। द डेंजरस क्रैब्स। क्रैब्स यानी कि केकड़ा। दोस्तों, चाइना की धरती पर तरह तरह की प्रजाति के केकड़े पाए जाते हैं, जो बड़े भी होते हैं और छोटे भी। लेकिन चाइनीज लोग बड़े आकार वाले केकड़ों को खाना ज़्यादातर पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में कोई ठोस रीज़न नहीं है। अगर बड़े केकड़ों की बात करें तो ये लोग इन्हें जिंदा भी खा जाते हैं। ये लोग क्रैब्स की लेग्स और आर्म्स को बड़े मज़े के साथ खाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये लोग किसी भी जानवर को उतने ही चाव से खाते हैं जैसे हम इंडियंस फल फ्रूट को खाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।